हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। इस रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं आपसे, आपके पार्टनर का रियल ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या छुपा रहे हैं आपसे करेंटली राइट नाउ, क्या चीज़ है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है, देखते हैं। तो ऑल साइंस रीडिंग है, जेड स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सब के लिए हैं। चलिए बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फोकस बनाइए गाइस अपने पर्सन पर, सोचिए उनके बारे में, विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, या तो उनका नाम लेकर इस रीडिंग को वॉच करें। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स से, इनके पार्टनर क्या कुछ छुपा रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है इनके पार्टनर के बारे में, बताएं मुझे क्या छुपा रहे हैं इनके पार्टनर करेंटली। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस, ओके, इनका ही आपका साइन हो सकता है। और यहाँ पर रहा है फोर ऑफ स्वर्ड्स, सेमिनायल, एक्वेरियस, ओके। आपके पार्टनर छुपा रहे हैं कि ये आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, अभी भी आप इनका ड्रीम हो, इनका विश हो। अभी भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे फोर ऑफ स्वर्ड्स मिला है जो कि मुझे बता रहा है, दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच दूरियाँ हैं, आप दोनों आई थिंक नो कॉन्टैक्ट में हो, लेस कॉन्टैक्ट में हो, या आप दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा है, टेंशन चल रही है, आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। आपके पार्टनर छुपाते हैं कि आपको लेकर ओवर थिंक करते हैं, रात रात पर जगते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, इनको हेल्थ इशू हो रहा है। अगर आप दोनों के बीच दूरियां हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन चल रहा है, तो इस चीज़ का इन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। आपके पार्टनर के हेल्थ पर, इनके लाइफ पर बहुत ज़्यादा एक गहरा प्रभाव पड़ता हुआ मुझे दिखाई दिया है, पड़ा है कहना चाहिए मुझे। तो ये चीज़ आपके पार्टनर आपसे छुपाते हैं कि ये चाहते हैं आप दोनों वापस से कनेक्शन में आओ, दूरियां हैं तो आप इनका ड्रीम हो जिनको इनको पूरा करना है। ये ख्वाब देखते हैं आपके बारे में, ड्रीम देखते हैं आपके बारे में, आपकी चाहत करते हैं आपके पार्टनर की आप इनको मिल जाओ, ठीक है। ये अलोन है आपके बिना, ये अकेले पड़ गए हैं, इस व्यक्ति को अपने बगल में आप चाहिए, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक ज़िंदगी हो, लाइफ हो। अगर आज आप दोनों साथ में हो ना, तो कुछ ना कुछ बात को लेकर आपके पार्टनर को टेंशन है, ठीक है, जो कि आपको छुपा रही है, अपना ड्रीम, अपना ख्वाब कुछ ना कुछ है, कैरियर से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, ठीक है, आपके रिश्ते से रिलेटेड जो कि छुपा रहे हैं आपके पार्टनर। इनको हेल्थ इशू हो रहे हैं, ये भी छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, कि इमोशनली, मेंटली या फिज़िकली डिस्टर्ब हैं, इनको इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ताकि आपको टेंशन ना हो। आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है राइट नाउ, मैं देख पा रही हूँ इनको हेल्थ इशू हो रहा है और ये चीज़ आपको पता है, इनको ऐसा लगता है, पर आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये हेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं, ये सही है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप इतना नाराज़ हो गए हो, आप गुस्से में, नाराज़गी में अवॉइड कर रहे हो इनको, ठीक है, अब आपको इनका फिक्र ही नहीं है, ये जी रहे हैं, मर रहे हैं, इनका ये थॉट्स है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे ये भी कहना चाहते हैं, मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा इनका सोच है कि अगर ये नाराज़ होते हैं, ये थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के हैं, एग्रेसिव हैं, तो आप ही कम नहीं हो, अगर ये 10 है ना तो आप 20 हो, ये आपके पार्टनर का सोच है आपको लेकर, ठीक है। अगर ये गुस्सैल हैं तो आप ही कम गुस्सैल नहीं हो, इनसे डबल हो, इन्होंने ये महसूस किया, देखा है। अगर ये आपसे फाइट करते हैं किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, आप दोनों के बीच बातचीत होती है या बहस होती है, तो आप हमेशा जीतते हो, आपका पलड़ा हमेशा भारी रहता है, आप काफ़ी स्ट्रांग नज़र आते हो इनको, ठीक है, आप काफ़ी मैच्योर हो। आपके पार्टनर ऐसा ज़रूर सोचते हैं, जानते हैं, ये गलती से मिस्टेक्स कर सकते हैं, पर आप नहीं। आप गुस्से में भी होते हो, नाराज़गी भी आप में होती है, तो वहाँ पर भी आप मैच्योरिटी के साथ डील करते हो, कन्वर्सेशन करते हो,
आप में आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी देखते हैं, फील करते हैं, आपको काफ़ी मैच्योर मानते हैं। आपके पार्टनर ने आई थिंक आपके स्ट्रगल भरा लाइफ को देखा है, सुना है आपसे या किसी से। आपके पार्टनर रिस्पेक्ट करते हैं कि इतना स्ट्रगल आपने अपने लाइफ में देखा है। आज आप काफ़ी स्ट्रांग हो, आप पर प्राउड फील करते हैं आपके पार्टनर कि आज आप कितने अच्छे से हो, कितने स्ट्रांग हो। आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया है जो कि हर कोई नहीं कर पाते, हार मान जाते हैं। तो आपके पार्टनर इस चीज़ पर बिल्कुल आप पर प्राउड फील करते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो। आपके पार्टनर ने ऐसा भी महसूस किया है, इनको ज़रूर आपकी नीड हो सकती है, ज़रूरत हो सकती है, पर आपको कभी नहीं। और क्या इनकी फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं, ये जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं क्या छुपाते हैं, ये सब बातें छुपाते हैं आपसे। थ्री ऑफ कप्स, ओके, मैं ऐसा देख पा रही हूँ ना, कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर दोस्तों के साथ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, पार्टी पर जाना होता है, लेट नाइट, ये चीज़ आपसे छुपाया इन्होंने कभी, हमेशा नहीं पर कभी कभी, ठीक है। अचानक एक आध बार ऐसा ज़रूर हुआ है कि ये चीज़ इन्होंने आपसे छुपाया है कि ये फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, लेट नाइट, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आप में एक ट्रू फ्रेंड देखते हैं, इनको ये भी नज़र आता है आपके साथ इन्होंने फील किया है। जब ये आपके साथ होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है, दुनिया भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। आपने इनको ट्रू फ्रेंड का मतलब सिखाया है, बताया है कि ट्रू फ्रेंडशिप क्या होती है और ट्रू फ्रेंड्स कैसे होते हैं। आपकी प्रेजेंस में इनको किसी की नीड नहीं होती है, ठीक है, आप सबकी कमी पूरा कर देते हो, ये इनका सोच देख पा रही हूँ मैं, काफ़ी पॉजिटिव है। और देखते हैं और क्या है इनकी फीलिंग्स, यूनिवर्स बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मैं ऐसा महसूस कर पा रही हूँ गाइस, इनको ऐसा लगता है कि आप राइट नाउ नाराज़ हो, ठीक है, और काफ़ी गुस्सा करते हो या काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी में आप हो, तो थोड़ा सा स्वीट एनर्जी चाहते हैं आपके साइड से कि आप नाइसली स्वीटली इनसे बात करो, ठीक है, आप गुस्से में बात ना करो, इनको हर्ट होता है, ठीक है, ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे पर आपका नाराज़गी, आपका गुस्सा होना नहीं। आप गुस्से में इनको चमका सकते हो, डांट सकते हो, पर ऐसे मत बात किया करो कि ये बिल्कुल पराए हैं, दूसरे हैं, जानते नहीं हो, या ये कोई आपके लिए मायने नहीं रखते। आप में ना एक फैमिली देखते हैं, टेन ऑफ कप्स, ठीक है, एहसास आपने कराया है, एहसास इन्होंने किया है कि आपके साथ कंप्लीट है लाइफ, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, फैमिली देख रखे इस व्यक्ति ने आपके साथ, ये चीज़ ये आपसे छुपाते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। मैं कुछ लोग के लिए ऐसा भी देख पा रही हूँ, ड्रिंक या स्मोक वगैरह, ठीक है, स्पेशली अगर ये एक बॉय है या मैन है तो ये चीज़ भी इन्होंने आपसे छुपाया है ताकि आप नाराज़ ना हो सको, आप गुस्सा ना करो इन पर, ठीक है, क्योंकि ना आप काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो, इनको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो, काफ़ी कॉन्शियस हो, तो आपके पार्टनर ने ये भी छुपाया है आपसे, ठीक है, या छुपाते हैं ये कि ये कभी कभी ऐसा कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है, और क्या इनके पार्टनर की फीलिंग्स। मैं कुछ लोग ऐसा भी महसूस कर पा रही हूँ कि इनके फैमिली में रिश्ता का बात हुआ था, ये कुछ चला था, कुछ तो हुआ था, ठीक
ठीक है, मैं ऐसा महसूस कर पा रही हूँ इनका कुछ रिलेशनशिप था या तो फैमिली में कुछ बातचीत चला है, ठीक है, किसी के साथ फाइट करना, या इनका पास्ट कोई रहे हैं जिनके साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रही है इनका, पर वो अनहेल्दी था, ठीक है, वहाँ से बाहर आ चुके हैं, तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि छुपाया है इन्होंने, पर आपके साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं कि लॉयल है ये बंदा, बंदी आपके साथ फिर सर देखते हैं, ठीक है, मैं से देख पा रही हूँ गाइस आप दोनों के बीच फाइट के बाद, आफ्टर फाइट कुछ हुआ है इनके लाइफ में जो कि इसलिए नहीं बताया इन्होंने, नहीं तो बताते आपको, ठीक है, जो इनके फैमिली में कुछ हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रिश्ते का बात, या किसी से मीटिंग कराना, या कोई क्लोज आ रहा है, कोई फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, वो इनके फैमिली से हैं या रिलेट करते हैं, ये बिलोंग करते हैं, दूर के रिश्तेदार कुछ तो है फैमिली से, ठीक है, या फैमिली में पार्टी वगैरह हो रही थी, फैमिली पार्टी था यहाँ पर कुछ, तो वहाँ पर कुछ बात हुआ है किसी से, मैं देख पा रही हूँ, नहीं किसी के क्लोज नहीं गए हैं, ठीक है, पर कोई क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, या फैमिली बात कर रही थी रिश्ते का, मैं कुछ ऐसा देख पा रही हूँ, इनका फाइट भी हुआ है किसी के साथ, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहे है, और दूसरा ये कि कभी इनका कुछ पास्ट था किसी के साथ, काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप में रहे हैं, ये चीज़ इनको बताना आपको सही नहीं लगा, ठीक है, तो हाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है एक, ठीक है, यूनिवर्स आप क्या मैसेज देना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को लेकर राइट नाउ, इनके कनेक्शन को लेकर, इनके रिश्ते को लेकर, आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हो मेरे व्यूअर्स से, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके, यूनिवर्स का मैसेज ये आ रहा है आपके लिए, आप किसी से जल्द ही बातचीत करने वाले हो, बातचीत होगी आपकी किसी से जल्द ही, ठीक है, किसी की ओर अट्रैक्ट होने वाले हो, कोई आपकी ओर अट्रैक्ट होगा या होगी, कोई आपको कांटेक्ट करने वाला है, कोई अपना इमोशंस फीलिंग्स आपके सामने जाहिर करेगा करेगी, जो कोई है कि फ्रेंडशिप करेगा आपसे, ठीक है, आपका जो आज लाइफ है, सिचुएशन है, वो आज जैसे नहीं रहेगी, स्पेशली आपकी लव लाइफ में जो आप दोनों के बीच सिचुएशन है अब जैसे नहीं रहेगी जो कि अभी है, सब कुछ बदलने वाला है, चेंज होने वाला है, यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आप अपने रिश्तों को लेकर पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, अगर आपको इमोशन चाहिए, अगर ये आपको राइट लगते हैं, बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, आप दोनों के बीच चीज़ें सही होगी, आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होगी, आप ना खुश हो, आप अनहैप्पी हो, उदास हो, डिसअपॉइंट हो इस रिश्ते को लेकर, आपको शिकवा शिकायत है, वो सब दूर होने वाली है, ठीक है, जो आप देते हो सामने वाले पर्सन को या जो आप दोगे, ऑलरेडी जो आपने दिया है, जितना इमोशंस, प्यार, केयर, एफर्ट्स आपने किया है, उतना आपको मिलेगा भी सामने वाले पर्सन से, ठीक है, अगर आप क्वीन या किंग की एनर्जी में हो प्यार के मामले में, तो ऐसा पार्टनर आप डिज़र्व करते हो और ऐसे पार्टनर से आप मिलने वाले हो, अगर ये व्यक्ति ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, राइट है, तो बिल्कुल ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ठीक है, कलर में या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगी आप दोनों के बीच, पर प्यार बहुत होगी, और अगर यहाँ पर प्यार है आपके पार्टनर और आपके बीच, तो साथ में आओगे, चीज़ें आप दोनों की फेवर में होगी, आपके रिश्ते को चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, आप दोनों फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो, जो आप दोनों का ड्रीम है वो फुलफिल कर सकते हो, ये मौका ज़रूर दिया जाएगा, यूनिवर्स आपको मौका देंगे, ठीक है, तो अगर ये आपके ट्रू लव हैं, ट्रू पार्टनर हैं, आपने महसूस किया है कि मेरा ट्रू पार्टनर है, तो होपफुल रहिए, पॉजिटिव रखिए खुद को, और पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है, और अपना गेस्चर पॉजिटिव रखिए, ये यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है आपके लिए, और अगर ये पार्टनर आपको नहीं चाहिए, ऑलरेडी ये किसी और के साथ है, तो मुझे फ्रेंडशिप होती हुई दिखाई दे रही है, ये व्यक्ति आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, करना चाहती है,
अगर ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है तो ठीक है, मैं देख पा रही हूँ इनके साथ आपका फाइट हुआ ऑलरेडी। अगर ये किसी और के साथ है तो फ्रेंडशिप ज़रूर चाहिए इस व्यक्ति को, ये चाहते हैं किसी ना किसी थ्रू आप इनके करीब रहो, ठीक है, आप इनके क्लोज़ रहो, चाहे जो भी बनकर हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ या फ्रेंड, चाहते हैं कम्युनिकेशन में रहो, आप दोनों साथ में रहो, तो आपकी मर्ज़ी, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, ठीक है। और आपके लाइफ में आपका ट्रू लव है, आपका सच्चा प्यार है, आप डिज़र्व करते हो ट्रू लव, सच्चा प्यार, अनकंडीशनल लव। जल्दी उनसे आपकी मुलाकात होगी कुछ ही वीक्स में। 10 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, ये जो मंथ है, ये आने वाला 10 मंथ्स है, तब तक मिल जाओगे आप, अपने पार्टनर के साथ होंगे ऑलरेडी कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, ठीक है, उनसे मीटिंग आपकी हो जाएगी। तो ये आ रहा है आपके लिए मैसेज। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।